जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिलन स्टडी में। यहाँ क्लास 9 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 बना रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या करा वो हम चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्योंकि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी कि इरेशनल नंबर है, रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। इससे पहले हमने जाना था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये इरेशनल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट करना जानते हैं। अब बहुत ईजी में जानेंगे, ये भी आसान है, ये भी कोई भारी नहीं है कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर स्कोरिंग। नंबर स्कोरिंग करना जो हम बार बार कहते हैं कि लिखना है जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ सॉल्यूशन हम लिखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया, अब हमको अपना स्ट्रिप ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इसके बाद हम स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइन को एक ड्रॉ करते हैं। एक लाइन है यहाँ पर, ऐसे एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया या हमने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इसमें हम इसका नाम लिख देते हैं एक्स वाई। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ओ, ठीक है। तो एक्स वाई लाइन का नाम है, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, वो लिए पॉइंट। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे यूनिट मानेंगे। अब वन सेंटीमीटर का आप यूनिट मानिए, टू सेंटीमीटर का, थ्री सेंटीमीटर का, फोर सेंटीमीटर का, जितना फाइव सेंटीमीटर का एक यूनिट जितना ही मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे कि जैसे देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर अगर करेंगे तो स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, तो टू का स्क्वायर जो वन का स्क्वायर यानी कि फोर, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव आएगा, यानी इज इक्वल टू फाइव आएगा। तो इसलिए हम पहले टू यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो टू यूनिट हम लेंगे, तो यहाँ पर टू यूनिट, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, हम यहाँ पर टू का एक यूनिट ले रहे हैं टू सेंटीमीटर का। तो यानी कि हमको यहाँ पर फोर होगा, तो फोर सेंटीमीटर का एक यूनिट लिए, यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे और यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने आर्क कट किया और इस आर्क को पॉइंट एक पर डाले, इसका नाम दे दिए पॉइंट ए, ठीक है। अब इस पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अब यहाँ पर हम एक यूनिट लेंगे यानी कि परपेंडिकुलर के लिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक यूनिट लिए, ये हुआ, ठीक है। अब इस पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उससे पहले हम एक 90 डिग्री के लिए, पहले एक 90 डिग्री बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाना है, उससे पहले हम 90 डिग्री बनाएंगे। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर एक 90 डिग्री के लिए मिस्टेक्स हो गया, फिर जब भी आप इसके लिए बनाए तो इसके लिए एक छोटा सा ही पेंसिल यूज करें। यहाँ पर हल्का डबल आ गया पेंसिल, इसलिए इसको हम हल्का सा इरेज कर देते हैं, जो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो उसको हम हल्का इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री का एक यहाँ आर्क काटिए, एक यहाँ से आर्क काटिए, क्योंकि 60 60 90 पर ले आएगा आपको। यहाँ पर एक यहाँ आर्क काटे, एक यहाँ आर्क, तो यहाँ पर एक यहाँ आर्क कट करने पर एक हमारे यहाँ पॉइंट मिला। इस पॉइंट को हमने ड्रॉ किया, ठीक है, एक स्ट्रेट पॉइंट को ड्रॉ किया। अभी अपना यूनिट हम एक लेंगे, तो एक यूनिट हम यहाँ पे टू सेंटीमीटर का हमने एक यूनिट माना था, यहाँ पे एक ड्रॉ करें और यहाँ पॉइंट ठीक यहीं पे आया, ठीक है। तब इसको हम एक पॉइंट को यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट का नाम दिया बी। अब इसी पॉइंट को लीजिए और इस पॉइंट के रेडियस के इक्वल एक पॉइंट पे इस रेडियस इसको मानिए ओ बी को, यानी कि हमारा रेडियस हो गया। और यहाँ पर बी आया, बी देखिए कहाँ है, बी यहाँ, एक मिनट, हमने मिला लिया। अब यहाँ पर बी से एक यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, एक ऐसे ले दे पेंसिल और पेंसिल से एक ऐसे ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे ऐसे पॉइंट को कहिए सी, ये हमारा पॉइंट सी है। जब हमने टू यूनिट लिया था और यहाँ पे वन यूनिट, अब इसको देखिए हम इसका स्टेप लिखना सिखाएंगे। तो यहाँ पर रूट फाइव हो जाएगा और ये भी ए सी है जो फाइव होगा ओ सी, ठीक है। तो हम इसका स्टेप लिखना सिखाते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टेप नहीं लिखिएगा तो अगर चार नंबर का क्वेश्चन आ रही है तो इसमें से आपको दो ही नंबर मिलेंगे और आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो इसलिए हमें स्टेप लिखना पड़ेगा और नंबर स्कोरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया एक्स वाई। तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ, लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स ओ वाई। एंड उसमें हम क्या किया, नहीं क्या किया था, एक पॉइंट लिया था ओ, द एंड या टेक अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर, एज अ सेंटर। उसके बाद हमने क्या किया था कि ओ एंड ओ ए एक टू यूनिट लिया था, ओ ए इज इक्वल टू टू यूनिट। यहाँ पे हम गलती हो गया, एक देख लीजिएगा, यानी कि टेक अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर, ठीक है।
यानी हम पॉइंट ओ का एच सेंटर लिए हैं एंड नाउ ओ ए इज इक्वल टू टू यूनिट अब यहाँ पे नाउ ओ ए एज अ रेडियस एज अ रेडियस ठीक है ओ एज ओ ए एज अ रेडियस एंड ओ एज अ सेंटर ओ एंड ओ एज अ सेंटर कट एन आर्क आर्क ऑन एक्स ओ वाई ठीक है ओ आर्क ऑन एक्स ओ वाई यानी कि यहाँ पे ए पे कट किया ए आया ठीक है अब नाउ यानी कि ऐसे हम क्या करेंगे और ए बी परपेंडिकुलर ऑन एक्स ओ वाई सच डैट यानी कि ए बी इज इक्वल टू वन यूनिट तो वन यूनिट हम ले लिया ठीक है तब हमें यहाँ पर लिखना होगा कि जैसे कि अब ओ बी बराबर क्या होगा तो ओ बी बराबर हो जाएगा हम जानते हैं जैसे कि ओ ए का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर और रूट अंडर कर देते हैं रूट अंडर तो कैसे होता है तो पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार ऐसा होता है जो हमने जूनियर क्लास में भी पढ़ा था अब चलिए हम अपना ओ बी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ऐसा हो गया ओ बी इज इक्वल टू रूट अंडर टू यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो टू यूनिट का स्क्वायर जो वन यूनिट का स्क्वायर यानी कि तो करते हैं तो ओ बी इज इक्वल टू फोर यूनिट स्क्वायर यानी कि अब प्लस वन यूनिट स्क्वायर ठीक है अब हमारे आगे आए तो यहाँ पर आ गया तो ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर फाइव यूनिट का स्क्वायर ठीक है तो इसी तरह से यहाँ पे ओ बी बराबर हो गया फोर यूनिट प्लस वन यूनिट इज इक्वल टू फाइव यूनिट यानी कि ओ बी इज इक्वल टू रूट अंडर फाइव ठीक है हमने रूट अंडर फाइव को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे तो ओ बी हमारा क्या है ओ बी का हम रेडियस लिए थे तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी से हम इन्हें यहाँ पर देखिए एक ओ बी एक रेडियस है रेडियस हमने यहाँ कट किया था ओ सी यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है हाँ ठीक है ओ सी इज इक्वल टू रूट अंडर फाइव क्योंकि है रेडियस है रेडियस यहाँ पर हमको ये सब लिखना होगा अगर ये हम सब नहीं लिखते तो हमें नंबर नहीं मिलेगा ये स्टेप मार्किंग है अगर हमको स्टेप सब लिखना ही होगा ऐसे नंबर सी बी एस ई में ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं ठीक है तब यहाँ पर हमने लिख दिया तो हेंस वी शो तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस इसलिए हमने शो कर दिया था वी शोड ठीक है हमको शो करने के लिए कहा था तो हमने शो कर दिया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए प्लस में साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन लिखिए और आंसर आपको मिल जाएगा उसमें हम एक वीडियो बना देंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो वो अपना क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए कि दोनों क्वेश्चन अब हलवा लगने लगे इजी में बन जाए।